हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर रीनेमिंग ऑफ डेटा टाइप विद टाइप डेप कीवर्ड के एग्जांपल को, टाइप डेप कीवर्ड को हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो चलते हैं हम टर्बोसी के अंदर प्रोग्राम के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं कि टाइप डेप कीवर्ड को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। फाइल सेव कर देते हैं ch2202.c। अब आ गया हैश इंक्लूड stdio.h हैश include conio.h void main clrscr for clearing the screen clrscr getch। फाइल सेव कराया, कंट्रोल एफ9 कराया, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने क्या बोला था, टाइप डेप कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल वेरिएबल हमारा इंटीजर, इसके अंदर बोल दिया इंटीजर n इक्वल टू 10, ये वेरिएबल हो गया हमारे पास में, इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी या बोल दिया हमने n। फाइल सेव करी, कंट्रोल एफ9 कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई प्रिंट हमारे पास में 10। अब हमें टाइप डेप कीवर्ड का यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया टाइप डेफिनेशन, इसके बोल दिया हम इंट, इसके जगह हम बोल रहे हैं कि नंबर, कि इंटीजर को नंबर नाम से डिफाइन होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नंबर a इक्वल टू 20। अब इसको हम एक्सेस करेंगे प्रिंट एफ, क्या बोल रहे हैं, स्लैश न्यू लाइन हो गया नंबर a इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल एफ9 कर दिया, नंबर a इक्वल टू 20। तो देखिए इसके अंदर क्या करा हमने, वेरिएबल डिक्लेयर किस नाम से करा है, डेटा टाइप क्या है नंबर, और नंबर क्या है इंटीजर टाइप का, कोई जैसे नॉर्मल इंटीजर था उसी को हमने उसके अंदर भी डिक्लेयर कर दिया, मतलब टाइप डेप का यूज करा, इंटीजर टाइप का हमने नया नाम दे दिया यहाँ पे, लेकिन इंटीजर टाइप से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सेस करना। अब स्ट्रक्चर के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी के अंदर भी इसको स्ट्रक्चर कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपनिंग क्लोजिंग और ये चला गया, जैसे मान लीजिए इसके साथ हम बोल देंगे स्टूडेंट को यूज करना होगा तो एस टी डी, हम यहां पर इसको बोल देंगे इंट एज कैरेक्टर नेम 20। तो उसको देखिए कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को अगर नॉर्मल तरीके से हम अगर इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो क्या बोलेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस वन। अब इसके अंदर जैसे हम बोल देते हैं कि एस वन डॉट नेम इक्वल टू क्या होगा, हम इसके अंदर बोल देते हैं एस वन डॉट नेम इक्वल टू सुनील, हम इसको यहां प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट एस नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू आ गया ये, और यहां पे क्या आ जाएगा एस वन डॉट नेम, कंट्रोल एफ नाइन करा, एक एरर आ गई है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, फाइल हमने सेव कर दी। तो उसके अंदर ये चीज क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जब हम नॉर्मल कैरेक्टर एरर लेते हैं तो उसके अंदर असाइनमेंट इस तरीके से अलाउ नहीं होता, तो उसके अंदर वैल्यू कैसे इस तरीके से असाइन होती है एस टी आर सी पी वाई का यूज करने के बाद। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट एच एच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम एस टी आर सी पी वाई एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी करनी है इसके अंदर एस वन डॉट नेम के अंदर, इस चीज को कॉपी करना है, ये हमने क्लोज कर दिया और ये चीज बंद हो गई, फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल एफ नाइन कर दिया, कोई एरर नहीं है। तो देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट क्या गया हमारे पास में सुनील, अब इसकी वैल्यू जैसे हम प्रिंट कर नेम भी चेंज एज भी चेंज करना चाहते तो वो चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब ये कर दिया तो अब इसको अलग से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एस टी डी या हमने बोल दिया एस टू। तो देखिए अब यहाँ पे ना तो हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करा है ना ही स्टूडेंट बोला है, जो हमने यहाँ पे एलियास दे दिया था इसको एस टी डी ये होना चाहिए, लेकिन ये जब भी हो सकता है जब हम यहाँ पे इसके आगे टाइप डेफ लगाएं, अदरवाइज तो केवल वेरिएबल का यूज ले लेगा उसको, ये हो गया टाइप डेफ। तो अब क्या बोलते हैं एस टी डी नाम से हमने ले लिया, तो अब इसके अंदर एस टी डी के अंदर देखिए नॉर्मल तरीके से हम वैल्यू असाइन कर देते हैं एस टी डी एज क्या होगी इसकी एस टू डॉट एज,
ये बोल दिया हमने 30, तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, printf स्लैश एन एज ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू परसेंट डी, ये आ गया। और यहाँ पे क्या गया, टू डॉट एज, ये क्लोज हो गया, कंट्रोल F9 कर दिया तो H2H प्रिंट हो गए 30। तो इस तरीके से हम टाइप डेप का यूज कर सकते हैं, तो मतलब कि टाइप डेप का यूज करके आप अपने काम को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर n है, इसका नाम कुछ भी था जो हमें पता नहीं चल रहा है क्या वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है इंटीजर के अंदर की, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने बोल दिया स्पेसिफिकली नंबर की, नंबर ही हो सकती है। अब इसको अगर हम बोलेंगे एज, तो एज भी हो सकती है, कि हमने इसको बोल दिया एज, एज इसके अंदर असाइन करो, एज वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसको बोल दिया हमने एज, फाइल सेव, कंट्रोल F9, तो वैल्यू जो हमारे सामने प्रिंट हो गई क्या है क्या नहीं है। तो बस इसका केवल यूज इतना सही होता है कि डेटा टाइप कुछ भी हो उसका हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यूज को असाइन करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो वेरिएबल्स हैं किन तरह की वैल्यूज को होल्ड करके रखते हैं। अदरवाइज इंटीजर टाइप के तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, अगर आप कहीं पे आप नॉर्मल एज स्टोर करवा रहे हो, कहीं पे आप परसेंटेज स्टोर करवा रहे हो, कहीं पे मार्क्स स्टोर करवा रहे हो, तो आप उसके अंदर बता देते हो कि आप इसके अंदर क्या स्टोर करवाने वाले हैं। तो अलग कोई भी एक थर्ड पार्टी या फिर अलग कोई दूसरा प्रोग्रामर भी आके आपके प्रोग्राम को चेक करे, तो पता है किस तरह का जो वेरिएबल होगा, इन इन वेरिएबल्स के अंदर एज स्टोर कर रखी है, इनके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता। ओके, थैंक यू।